सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे करूंगी। वाओ रस। हाँ। इसको ऐसे करके मैं सुखाऊंगी। पूरा आप लोग को देख के लग रहा होगा ज्यादा ही मैंने इसमें पत्ता दे दिया। बहुत ही टेस्टी होता है, जिसने भी ट्राई नहीं किया है जरूर से ट्राई करना। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग पे। अभी फ्रेश अप हो चुकी हूँ और दीदी ने जो है ब्रेकफास्ट भी बना दिया है, तो हम लोग का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। दीदी को भूख लग रहा है तो इसलिए पूरा जल्दी जल्दी खा रही है। आज सब्जी क्या पका दिया ये देखो, आलू और मटर। तो यहाँ पर जो है ये जंगल से लेके आई थी खट्टा वाला पत्ता, ये अलग ही पत्ता है। तो आप लोग जानते हो कि नहीं जरूर कमेंट में लिखना। हम लोग बहुत ही खाते हैं ये वाला खट्टा पत्ते को। तो इसको पकाने के लिए यहाँ कढ़ाई पे जो है पानी वगैरह दे दिया है, इसको ठीक से उबलना पड़ेगा फिर दे देंगे पत्ते। पूरा देने के साथ साथ एकदम छोटा हो जाएगा, पूरा सिकुड़ जाएगा। और कल हम लोग खाए थे मछली बेम्बू में पका के, तो वो तो ख़त्म हो चुका है, उतना नहीं है। तो बस ये वाला खट्टा पत्ता और मटर का सब्जी से हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। क्या हुआ मैम साहब? पता नहीं रात से पूरा माथा चक्कर दे रहा है, अभी भी पूरा, अभी धूप में बैठी हुई हूँ फिर भी माथा बारी बारी ऐसा लग रहा है। तो रेस्ट करो आराम से, ज्यादा धूप में भी नहीं बैठना है। तो दिन भर करती हूँ, पता नहीं क्या होगा, अभी पूरा भूमि भूमि फील आ रहा है। मैंने सब इसका वजह से करके कंट्रोल कर रहा हूँ, आमला खा खा के। कंट्रोल अभी अगर उल्टी कर दूंगी ना पूरा कमजोर पड़ जाऊंगा। नहीं करना है, हाँ कंट्रोल करना है। वो देखो हम लोग का इधर में सब लावारिस कुत्ता लोग आके यहीं पे पना लेते हैं, पूरा बुज्जी का गाबुज्जी का पूरा खाना खा रहे हैं। देखो अभी जो है मेरा माता चक्कर ये सब बारी बारी टाइप का जो था पहले, अभी थोड़ा ठीक हो चुका है। तो अभी हम लोग को जो है अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, हम लोग का जिंदगी है यूट्यूब से। तो बस डेली ब्लॉग बनाओ, फिर उसके बाद जो है हम लोग का खर्चा वगैरह वो सब चल जाता है। ऐसे यूट्यूब की वजह से जो है हम लोग सब अपना परिवार को देखभाल कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग का काम ही स्टार्ट कर देते हैं। कल मेरा पति यहाँ पे देखो अमला लेके आया था, ये देखो इतने बड़े बड़े अमले है, बाप रे। अब इसको जो है मैं सबसे पहले वॉश करूंगी, फिर उसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा पत्थर से वो खोदूंगी इसको जो है साइड साइड में फटने के लिए। फिर उसके बाद नमक लेके मैं सुखाऊंगी, अचार बनाऊंगी इसका, अमला का अचार। मुझे थोड़ा थोड़ा आती है इसलिए, बस हम लोग जो है ज्यादातर मसाला वगैरह नहीं देते हैं ये अचार वगैरह बनाने के लिए। तो बस अभी के लिए मैं धूप में सुखाने के लिए नमक लगा के सुखाऊंगी। तो सबसे पहले इसे वॉश करके लेके आती हूँ। वहां पे मेरा पति रेस्ट कर रहा है, इसको अभी अभी मैंने दे दिया है काम करने के लिए। क्या क्या काम किया है उनका ब्लॉग में देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा काम किया है। Washing happening. Washing happening. Washing powder nirma. Washing powder nirma. Local washing. इसको क्या करोगे? इसको मैं पत्थर के साथ जो है खोदूंगी, फिर उसके बाद जो है नमक लगा के मैं सुखाऊंगी। अच्छा। और एक्स्ट्रा करके हम लोग अचार बनाएंगे, तो सबसे पहले सुखाना तो पड़ेगा। हाँ हाँ, सुखा के मधु के साथ रखेंगे। हाँ, हनी मधु के साथ। वाओ, लेकिन अभी कुछ चटनी खाने का भी मन कर रहा है। खाएंगे ना? अभी खाएंगे थोड़ा सा। थोड़ा सा ना, ये देखो मुंह में पानी आ रहा है। लोकल एकदम, लोकल ऑर्गेनिक। दीदी के घर से लाया दायुन से। हो गया, ये देखो वॉशिंग पाउडर निर्मा कर दिया है। हाँ। इसको जो है थोड़ा सा पत्थर के साथ वो कुटना पड़ेगा। अच्छा। साइड साइड में फटने के लिए, फिर उसके बाद खाने का मन कर रहा है यार। हाँ। चटनी खाएंगे ना? हाँ, बना दूंगी। चलो उससे तो रहा नहीं जा रहा है गाइस, ये देखो पूरा फिनिश कर दूंगा अभी। चीयर्स। मुझे खाने का मन कर रहा है। खाओ। ये देखो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे करूंगी। वाओ रस। इसको ऐसे करके मैं सुखाऊंगी। अच्छा। इसका अंदर पे जो है वो जूस वगैरह घुसेगा ना। हाँ हाँ, इसके कारण उसके लिए फटा रहा है ना। फटा रहा है, जब जब हम लोग अचार बनाएंगे अंदर में जूस चला जाएगा ना। हाँ, जूस चला जाएगा।
इतना जूसी है ना, पूरा रस निकल रहा है, ये देखिए गाइस पूरा रस निकलेगा, वाओ अमेजिंग। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो है थोड़ा थोड़ा फट दिया है, इसको जो है मैं नमक के साथ मिक्स करके धूप में सुखाऊंगी और एक्स्ट्रा करके हम लोग सुखाएंगे उसको, उसको जो है गोटा करके सुखाना पड़ेगा, मधु के साथ जो है हम लोग हनी के साथ मिक्स करके रखेंगे और एक्स्ट्रा जो है हम लोग अभी चटनी खाएंगे। तो तीन बाग हो जाएगा, तो दीदी भी आ चुकी है, अभी चटनी खाने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले चटनी के लिए तैयार करते थे, खाएंगे, मुझे भी खाने का मन कर रहा है। Wow, नमक हैपनिंग, नमक हैपनिंग, नाउ मिक्स हैपनिंग। इसमें ब्लैक सॉल्ट होने से और भी बढ़िया होना था, पर क्या करें, ब्लैक सॉल्ट खत्म हो चुका है। यहाँ से दे देते हैं, इसको कितनी सुखाना है। अभी इसको धूप में सुखाना है एकदम फ्रेश हवा में, तो इसको जो है खुल्ला में खुल्ला ऐसे सुखाना पड़ेगा इस टाइप में। हाँ, इसमें बढ़िया से सूखेगा, ये देखो हो गया ना अभी रेडी लोकल जुगाड़। तो अभी चलो चटनी बना लेते हैं, आ जाओ। चटनी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ से जो है जो भी वो पके हुए मिर्च है उसे देना है, क्योंकि ये ताजा वाला मिर्च से उतना टेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल टेस्टलेस होती है। अभी इसमें दे रही हूँ पका हुआ वाला, ये देखो बहुत ही टीका है हम लोग का वाला मिर्ची, ये लोकल मिर्ची है ना, ये देखो बहुत स्पाइसी है। हो चुका है, ज्यादा नहीं दूंगी क्योंकि मुझे उतना टीका नहीं खाना है, बस थोड़ा सा हो जाएगा ना, देख लो तो ज्यादा है बापरे, और भी माइनस करना पड़ेगा, तब तो माइनस हो जाए यहाँ से। ये देखो कम हो गया। तो यहाँ ओकली पर जो है मैंने ड्राई फिश भी दे दिया है और मिर्च को जो है इससे मिक्स करके चटनी बनाना है, ये देखो। और दीदी ने यहाँ पे काट के भी रख दिया है, अभी हम लोग चटनी बना के खाएंगे। यहाँ पे मेन वाला चटनी, सबसे पहले ये मिर्च की चटनी को बना लेती हूँ। ओकली पर जो है हमने आंवला को भी दे दिया है, ये देखो इसमें थोड़ा सा नमक भी दे दिया है और मिर्च की चटनी को यहाँ निकाल के रख दिया है, क्योंकि अगर इसमें ज्यादा तीखा होगा तो हम लोग खा नहीं पाएंगे ना, इसलिए। तो अभी दीदी यहाँ पे मिक्स कर रही है एकदम चटनी मजे से। पूरा मुँह से पानी आ रही है अभी से, और वहाँ देखो और भी है बहुत ही ज्यादा, बढ़िया होगा ना, बहुत ज्यादा मुंह से पानी आ रहा है। लम्मो आ जाओ खाएंगे, चम्मच लाओ तो छोटा वाला, दो तू लेके आओ। वाओ मुंह से पानी आ रही है, ये मिर्च का चटनी को रख देंगे, हो गया क्या, हो गया क्या, वाओ ये देखिए इसमें निकालना है, चलो निकाल दो। वाओ अब भी से पानी आ रही है, देखो हमने इतना मिर्च कम दिया ना, पूरा ज्यादा इसमें रख दिया मिर्च को, ले खा ले बेटा मिर्च खा ले आप। कैसा हुआ, ठीक ठाक, ज्यादा तीखा हो गया क्या, ठीक हो गया, चलो ये तो और भी दे रहा है, इसका हिस्सा अलग है हम लोग का अलग है। तो अभी हम यहाँ से खा लेते हैं, ट्राई कर लेती हूँ। बढ़िया, ज्यादा तीखा लग गया क्या,
ज्यादा तीखा मत खाओ, इससे तीखा लग गया, मैं तो एक्स्ट्रा लगा के खा रहा हूँ। मेरे लिए टीका ही वाला। हाँ, ज्यादा टीका नहीं खाना चाहिए तुमको। ये देखो दोनों भाई बहन अभी भी खा रहे, मैं तो हार चुकी हूँ। मेरा हिस्सा देखो, थोड़ा सा मैंने खाई थी, बस 3 चम्मच खाई थी। अभी मैं गोटा वाला खाऊंगी इसे चबा चबा के। थोड़ा रेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद सुंदर बनूंगी, नहाना है मुझे। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ दोस्तों, तो मुझे जो है थोड़ा थोड़ा भूख लग गई है, तो अभी मैं मैगी बना के खाऊंगी। तो मैं सबसे पहले गैस पर जो है यहाँ पर गर्म पानी देके जाती हूँ, ये वाला ये कढ़ाई पे। तो यहाँ पे 2 पैकेट मैगी पैकेट रख दिया है, ये देखो इसको जो है अभी बना के खाऊंगी। तो मैं कैसे बनाती हूँ मेरा स्टाइल अभी दिखा देती हूँ आप लोगों को, 2 मिनट में पक जाएगा। मैं फिल्टर से लेके जाती हूँ पानी, ये देखो। तो गरम पानी को तो दे दिया है दोस्तों, अभी इसके साथ में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स वगैरह दे दूंगी अभी लेके आती हूँ खेत से। मेरा पीछे में देख सकते हो एकदम हम लोग का आंगन के सामने में है हम लोग का खेत। ये देखो एकदम प्यारा सा खेत है, ये इतने बड़े बड़े लाइपत्ता हो चुके हैं ना, पूरा अवेलेबल है। तो हम लोग जो है वो सीड वगैरह को खाद के रखेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। और यहाँ पे इतना पूरा मैच्योर हो चुके हैं, देखो ये वाला भी खाता है, पत्ता भी ये खाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मैगी में देने के लिए लेके जाऊंगी प्याज का, ये देखो हम लोग इसको कहते हैं बुल्ले, प्याज का बुल्ले हो जाएगा। और लेके जाऊंगी बड़ा सा एक तो लाइपट्टा, कहाँ से लेके जाऊं, कहाँ से लेके जाती हूँ एकदम बड़ा वाला लाइपट्टा। ये देखो लाइपट्टा हैपनिंग। और एक तो लेके जाती हूँ, शायद कम हो जाएगा क्या। हाँ ये देखो अभी इसको वॉश करके डायरेक्ट दे दूंगी गर्म पानी में। पानी भी यहाँ रख दिया है, तो सबसे पहले प्याज का पत्ते को इसे वॉश कर लेते हैं। इतने अच्छे खुशबू आ रहे हैं ना, हम लोग जो है कुछ भी दवाई वगैरह नहीं देते हैं, एकदम प्योर ऑर्गेनिक है हम लोग का ये खेत में जो भी मिलता है सब्जी वगैरह। अभी दिखा देती हूँ मेरा मैजिक कैसे पका लेती हूँ मैं मैगी। देखिए दोस्तों पानी को देखे गए थे, पूरा उबल रही है। और यहाँ पर जो है लाइपत्ता को मैंने वॉश करने के बाद यहाँ काट के रख दिया है। और यहाँ पे प्याज का पत्ता और थोड़ा सा मिर्च दे दूंगी, देखो यहाँ पे 3 मिर्च जो है मैंने टुकड़ा टुकड़ा कर दिया है। अभी दे देती हूँ इसको सबसे पहले लाइपत्ता, फिर उसके बाद जो है मिर्च को देना है। अब मिर्च को कैसे दे दूं, पकड़ के देना पड़ेगा। हो गया, इसको बाद में दे दूंगी। तो यहाँ पे जो है नमक दे देती हूँ, नमकवा। हो गया, अब इसको थोड़ा सा पका लेती हूँ। एकदम देने के साथ साथ साग जो है छोटा हो गया, ये देखो। हाँ भी ये दोनों को दे देती हूँ यहाँ। जिसने भी नहीं खाया एक बार जरूर से ट्राई करना, देखो कितनी टेस्टी होता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा मैगी पूरा, आप लोगों को देख के लग रहा होगा ज्यादा ही मैंने इसमें पत्ता दे दिया, बहुत ही टेस्टी होता है। जिसने भी ट्राई नहीं किया है जरूर से ट्राई करना। ये देखो अभी हो गया ना मैगी, मसाला थोड़ा कम दिया है क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं है मसाला। ये देखो मजा होगा, मजा पीने में, तरी में खाऊंगी इसको। तो मेरा मैगी एकदम गर्मा गर्म, तो अभी मैं इसको यहाँ बिठा देती हूँ, फिर मैं खा लेती हूँ। थोड़ा सा कैमरे को ठीक कर लेती हूँ क्योंकि मैं यहाँ आंगन पे आ चुकी हूँ ना, धूप सेक सेक के यहाँ पे खाऊंगी। बहुत ही बढ़िया, मेरा पति पूरा काम कर रहा है तो उसके लिए भी रख दूंगी। ये देखो पूरा गरम गरम है।
मैंने मैगी भी खा लिया है दोस्तों। अभी क्या करूंगी, एकदम मजे से रेस्ट करूंगी, तो ज्यादा वीडियो को लंबा कर नहीं पाऊंगी क्योंकि आजकल कंटेंट ही नहीं है क्या दिखाऊंगी आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। तो मैं धीरे धीरे सब्जी वगैरह फिर से कलेक्ट करूंगी, डिनर बनाना पड़ेगा और क्या है, मेरा जिंदगी बस इसी से चलता है। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हो एक और नए ब्लॉग के साथ।